हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में ब्लाउज़ की कटिंग करना सिखाऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड, ये मैंने ब्लाउज लिया है, ये मेरा अस्तर है। तो सबसे पहले हम अस्तर को दो फोल्ड करेंगे और कटिंग भी मैं अस्तर में ही करूंगी। तो चलिए फ्रेंड, हम इसको दो फोल्ड कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने कपड़े को दो फोल्ड कर लिया है, 1 2। अब हम इस पर निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट को कट करेंगे। तो ये देखिए, हम इसका लेंथ लेंगे। लेंथ मैं लूँगी 14 इंच। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ 14 इंच पे निशान लगा लिया है। ये देखिए, अब मैं गला लूँगी। गला मैंने लिया है 2.5 इंच। ये देखिए, और शोल्डर मैंने लिया है 3 इंच। और सेम इसी तरह मैं यहाँ पे भी 5.5 इंच पे निशान लगा लूँगी। आर्मोल मैं लूँगी 5.5 इंच। अब चेस्ट मेरा है 9.5 इंच। 2 इंच में एक्स्ट्रा लूंगी सिलाई के लिए। और कमर मेरा है 7.5 इंच। 2 इंच में एक्स्ट्रा लूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे भी मैं 14 इंच पे निशान लगा लूंगी। ये देखिए, मैंने निशान लगा लिया है। यहाँ से मैं 5.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। ये देखिए, अब मैं यहाँ सीधी लाइन खींच दूंगी। यहाँ मैं 1.5 इंच पे निशान लगाऊंगी और इसे मैं गोला कर दूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड, इसे मैंने गोला कर दिया है। अब मैं यहाँ से सीधी लाइन खींच लूंगी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने लाइन खींच लिया यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब मैं गले पे लूंगी। तो गला मैं लूंगी 11 इंच का। और यहाँ पे मैं लूंगी 3.5 इंच। और यहाँ पे मैं ऐसे सीधी लाइन खींच दूंगी और मैं इसे गोला कर लूंगी। तो फ्रंट बैक पार्ट पे मेरा निशान लग चुका है, इसे मैं कट कर लूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने ये बैक पार्ट को कट कर लिया है। बैक पार्ट को मैं इस पे रखूंगी, इस पे रख के मैं निशान लगा लूंगी। और इसको मैंने 14 इंच लिया था, तो मैं 0.5 इंच एक्स्ट्रा लूंगी। ये देखिए, मैं 14.5 इंच लूंगी। और मैं सीधी लाइन खींच लूंगी ऐसे। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने ऐसे निशान लगा लिया है यहाँ पे भी। अब मैं गले पे निशान लगाऊंगी। तो गला मैं लूंगी 6 इंच। और यहाँ पे मैं लूंगी 3 इंच। और इसे मैं गोला कर दूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ पे भी निशान लगा लिया है। अब मैं यहाँ से लूंगी 5.5 इंच। ये देखिए, और यहाँ पे मैं ऐसे सीधी लाइन खींच लूंगी। यहाँ पे फ्रेंड, मैंने 1.5 इंच का निशान लगाया था, तो यहाँ पे मैं 1 इंच का निशान लगाऊंगी। ये देखिए ऐसे, और इसे मैं गोला कर लूंगी। और यहाँ पे मैं लूंगी 9.5 इंच। और 2 इंच में एक्स्ट्रा लूंगी। यहाँ पे मेरा 7.5 है, ये देखिए। तो मैं 2 इंच एक्स्ट्रा लूंगी, इसे मैं 9 कर लूंगी। और 2 इंच सिलाई के लिए। तो चलिए फ्रेंड, हम यहाँ पे भी सीधी लाइन ऐसे खींच लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, निशान लग चुका है यहाँ पे। अब मैं यहाँ चेस्ट पे निशान लगाऊ, यहाँ पे मैं लूंगी 10 इंच। और यहाँ से मैं लूंगी 4 इंच। और यहाँ से मैं लूंगी, यहाँ पे मैंने लिया है 3.5 इंच। यहाँ मैं 0.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। और यहाँ पे मैं ऐसे सीधी लाइन खींच दूंगी। इस लाइन को मैंने इसमें मिला दिया है। अब मैं यहाँ पे लूंगी 2 इंच। ये देखिए, और इसको मैं यहाँ पे ऐसे मिला दूंगी। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पे भी हम मिला लेते हैं।
तो ये देखिए निशान मेरा लग चुका है, अब मैं इसे कट कर लूँगी। तो फ्रेंड मैंने बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट कट कर लिया है, मैं स्लीव्स की कटिंग करूँगी। तो स्लीव्स को कट करने के लिए सबसे पहले हम चार फोल्ड करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, 1, 2, 3, 4 मैंने चार फोल्ड कर लिया है, मैं इस पर निशान लगाऊंगी। तो स्लीव्स का लेंथ मैं लूँगी 5 इंच, ये देखिए। और इसकी लंबाई में लूंगी 8.5 इंच, ये देखिए। यहाँ पे मैं 2.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। अब मैं इसे ऐसे गोला कर दूंगी और यहाँ पे मैं ऐसे हल्का सा तिरछा कर दूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड निशान लग चुका है, मैं इसे भी कट कर लूंगी। फ्रेंड मैंने अस्तर की कटिंग कर ली है, सेम इसी तरह मैं कपड़े को भी कट कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड मैंने कपड़े को कट कर लिया है, अब मैं अस्तर और कपड़े को ज्वाइंट करूंगी। तो चलिए फ्रेंड हम सबसे पहले इन पे सिलाई लगा लेते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड मैंने कपड़े को अस्तर से ज्वाइंट कर लिया है, मैंने फ्रंट पार्ट को भी कर लिया है, बैक पार्ट को भी कर लिया है और स्लीव्स भी ज्वाइंट कर लिए हैं। तो फ्रेंड अब हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इसको हमें साइड ऐसे रख के यहाँ पे यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे और इसको भी। तो चलिए फ्रेंड हम यहाँ पे भी सिलाई लगा लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड मैंने इसको यहाँ से ऐसे ज्वाइंट कर लिया है ऐसे। अब ये मेरा जो बैक साइड वाला कपड़ा है, ये देखिए इसको मैं यहाँ पे रख के शोल्डर पे मैं सिलाई लगा दूँगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है यहाँ पर भी। अब मैं स्लीव्स को ज्वाइन करूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड मैंने स्लीव्स को ज्वाइंट कर लिया है, मैं फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी। देखिए फ्रेंड मैंने यहाँ फिटिंग की सिलाई लगा दी है। अब मैं हुक लगाऊंगी, तो हुक लगाने के लिए मैं बैक साइड हुक लगाऊंगी। तो हुक लगाने के लिए मैं इसे कट करूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड इसको मैं ऐसे करूंगी और यहाँ पे इसको ऐसे ज्वाइंट करूंगी और इसको ऐसे रखूंगी। ये देखिए ये मैंने गले को बराबर कर लिया है और इसको भी बराबर कर लिया है। अब मैं यहाँ पे कट कर लूँगी। ये देखिए फ्रेंड मैंने यहाँ पे इसे कट कर लिया है, अब मैं यहाँ हुक की पट्टी लगाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड हम इसे भी कर लेते हैं। मैंने इसको भी बना लिया है, अब मैं इसमें हुक लगाऊंगी, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड ये मेरा ब्लाउज बन के तैयार हो चुका है और बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है। आप इसे पहनोगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिए, बहुत ही ईजी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। थैंक यू।